हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो दिस इज माय थर्ड लेक्चर ऑन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द लिंक ऑफ लेक्चर वन एंड लेक्चर टू इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो यू कैन गो देयर एंड वॉच इट। सो लास्ट लेक्चर तक हम कुछ थ्योरम्स एंड प्रूफ्स करवाया था, इस लेक्चर में भी एक आखिरी प्रूफ बाकी है, वो करवा देता है। उस पर हम लोग एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेगा, जो जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है और जो जो हमको लगता है आ सकता है, उस टाइप का एग्जाम्पल्स हम लोग करेगा बेस्ड ऑन दिस थ्योरम्स। ओके, सो ये थ्योरम जो भी हम करवाएगा ये थोड़ा लंबा है और अभी तक एक बार भी आया नहीं है, पर प्रूफ इजी है, पर चांसेस कम है जो ये आए, बट कोई भरोसा नहीं है जो 6 to 7 marks में दे दे बाई चांस। सो आई थिंक पढ़ने में फायदा है, इसलिए मैं करवा भी रहा है, तो तुम लोग भी प्रैक्टिस कर लेना। हम लोग पिछला थ्योरम क्या था, कोई भी कर्वेचर के लिए, जो अगर कोई एक कर्वेचर दूसरा कर्वेचर का ऊपर अगर इक्विलिब्रियम में है और उसको अगर डिस्प्लेस किया जाए तो कौन सा कंडीशन में स्टेबल और अनस्टेबल रहता है। तो सेम ये क्वेश्चन भी है, तुम लोग क्वेश्चन स्क्रीन में देख सकता है, स्क्रीन में दिया हुआ है, स्क्रीन में बोला हुआ वही है। जिस बार कर्वेचर का जगह दोनों स्फेयर दे दिया, मतलब रो वन और रो टू हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर पकड़ा था, इस बार रो वन और रो टू नहीं देख के हम लोग सीधा स्फेयर का रेडियस पकड़ लेगा, आर एंड कैपिटल आर। बाकी प्रोसेस सेम है, और इसमें सीधा बोल दिया इक्विलिब्रियम, सीधा वर्टिकल लाइन में इक्विलिब्रियम है। पिछला वाला थ्योरम में एट एन एंगल एंगल अल्फा में इक्विलिब्रियम होता था, उस टाइप का कुछ कुछ चेंजेस है। तो मेथड पूरा सेम है पिछला थ्योरम का तरह। अगर तुम लोग पिछला थ्योरम अच्छे से समझा है, अगर तुम लोग अच्छे से समझा है तो तुम लोग ये भी इजीली समझेगा, इसमें मुश्किल होगा नहीं। और फिर इजीली समझ गया तो ये करने में टफ नहीं, थोड़ा लंबा है पर टफ नहीं होगा ये करने में, और आने का चांस कम है, बट फिर भी तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, आने से एक बार में 6 to 7 marks आ जाएगा, तो कंटिन्यू करता है। तुम लोग क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा ऊपर स्क्रीन में, सो कंटिन्यू करता है। तो वही, लेट ओ एंड ओ वन बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द लोअर बॉडी फिक्स्ड एंड अपर बॉडी रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग लोअर बॉडी ये रहा, ये लोअर बॉडी है यानी स्फेयर का लोअर बॉडी ये ओ है, एंड अपर बॉडी ये है जिसका सेंटर ओ वन है, और हम बोल रहे हैं लोअर बॉडी हम फिक्स रखा है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख दिया फिक्स है, ये फिक्स है। नाउ लेट द अपर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एट पोजिशन ए, लेट द अपर बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम एट पोजिशन ए वन। ये अपर बॉडी ए वन पोजिशन में इक्विलिब्रियम है अलोंग द वर्टिकल ओजी ऑन द वर्टिकल ओ वन वर्टिकल में एट पोजिशन ए वन में ये इक्विलिब्रियम में है। ऑल्सो इफ जी जीवन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अपर बॉडी, अगर जीवन हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अपर बॉडी। देखो जो जो डायग्राम में क्या तुम लोग बस वैसे ही लिखना, डायग्राम में जो जो तुम बताया वो लिखना, ये तुमको याद करने का कुछ नहीं है, पिछला प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, बस तुम जो डायग्राम में क्या सीधा सीधे वैसे ही लिखना है। सो ऑल्सो इफ अगर जीवन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ, जीवन इज द सीजी ऑफ द अपर बॉडी, देन लेट ए वन जीवन इक्वल टू एच। हम ए वन जीवन को एच पकड़ा, मीन्स हाइट ऑफ सीजी फ्रॉम द लोअर बॉडी। ओके, नाउ इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन, अब ये है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर यहाँ से डिस्प्लेस्ड करें देन लेट द न्यू पोजीशन ऑफ द अपर बॉडी बी ए टू, तो लेट ए टू बी द न्यू पोजीशन ऑफ द अपर बॉडी। अब तुम देखिएगा तो हम पिछला वीडियोस में भी बताया था, जब हम इसको रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली ए वन पोजिशन भी चेंज होगा, तो ए वन ये बन जाएगा, ऑब्वियसली ओ वन शिफ्ट होगा इस तरफ, जी वन शिफ्ट होगा इस तरफ, कुछ ऐसा करीब होगा, और ओ वन को ओ से जोड़ेगा तो एक नया नॉर्मल बनेगा। ओके, तो हम वही लिखा है जे लेट द न्यू पोजिशन ऑफ द अपर बॉडी बी ए टू, वेयर ओ टू जी टू एंड बी आर द न्यू पोजिशन ऑफ ओ वन जी वन ए वन, मतलब ये ओ वन जी वन और ए वन इसका न्यू पोजिशन क्या होगा, ओ टू जी टू ए टू, और ये तो ए टू अलग से बताता है, तो ये हम रिप्लेस करेगा जी टू से, इसको भी जी टू से, और सपोज इसको बी से रिप्लेस कर दिया, मतलब ये ए वन पोजिशन ही है अल्टीमेटली, ये जो पोजिशन है ये ए वन ही है, ये जो जी वन था जी वन ही है, और ये ओ टू हमको जो सेंटर था ओ वन ही है, बस हम लोग नाम अलग कर दिया क्योंकि ये डिस्प्लेस होकर नया पोजीशन में आया। ओके, तो वही चीज है, पिछला वीडियो से अगर तुम लोग देखा हो, पिछला थ्योरम अच्छे से समझा तो बहुत सिंपल है, ये टफ नहीं होगा, सेम डायग्राम है। तो वही, दैट न्यू पोजीशन ऑफ ओ वन जी वन ए वन रेस्पेक्टिवली सच दैट ओ ए वन इक्वल टू ओ ए टू, ओ ए वन इक्वल टू ओ ए टू, इसका रेडियस आर है तो कैपिटल आर, एंड ए वन ओ वन इक्वल टू ए टू ओ टू इक्वल टू स्मॉल आर। ओके, नाउ लेट द एंगल मेड बाय दिस ओ वन एंड ओ टू बी थीटा, तो हम लिख दिया ओ वन ओ ओ टू इक्वल टू थीटा, ओ वन ओ ओ टू इक्वल टू थीटा लिख दिया। ओके, एंड एंगल ए वन ओ टू बी टू, एंगल ए वन सॉरी ये तो बी है ना, तो ये बी होगा, एंगल बी ओ टू ए टू मीन्स बी ओ टू ए टू इक्वल टू फाइव, ये एंगल को हम फाइव पकड़े, ये वाला एंगल को फाइव, ऑब्वियसली ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल, तो एंगल ओ ओ टू एन मीन्स एंगल ओ ओ टू एन, ये भी हम लोग का थीटा है, ये नहीं लिखने से चलेगा, बस बोला है बात। ओके, नाउ अब हम लोग को मालूम है सिंस ये शिफ्ट किया है तो ए वन ए टू इज इक्वल टू ए टू बी होगा,
बिकॉज ए वन इक्वल टू बी वन है, बिकॉज ए वन और पोजिशन बी दोनों सेम है, तो हम लोग लिख सकता है सॉरी ए वन ए टू इक्वल टू बी ए टू, क्यों? बिकॉज ए वन जो पोजिशन है वही बी पोजिशन है, दोनों सेम पोजिशन है, बस हम नाम अलग लिख दिया। तो ए वन ए टू क्या होता है, ए वन ए टू क्या हुआ, रेडियस इंटू थीटा आर थीटा, एंड ए टू बी टू क्या होगा, ऑब्वियसली ये फाइव एंगल है, तो फाइव एंगल इंटू रेडियस तो फाइव आर। ये हम लोग पिछला वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे हुआ, एकदम सिंपल है। ऑब्वियसली ये आर्क लेंथ है, दिस इज द आर्क लेंथ आर थीटा इज द आर्क लेंथ ऑफ ए वन ए टू एंड दिस स्मॉल आर फाइव इज द आर्क लेंथ ऑफ ए टू बी, बट ये दोनों इक्वल है बिकॉज रोटेट करता है। ओके तो यहाँ से हम लोग क्या करेगा, फाइव का वैल्यू निकालेगा, तो फाइव फाइव क्या लिख सकता है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इंटू थीटा, फाइव लिख सकता है फाइव इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इंटू थीटा, यहाँ से फाइव निकाल दिया, अब ये हम लोग का फाइव यूज होगा। ओके नाउ लाइक जी टू एम इक्वल टू चेक, ये जी टू एम बी द हाइट ऑफ द सी जी फ्रॉम ओ एक्स, ओ एक्स से ये जी टू एम हाइट है, अब इसको हम लोग जेड मान लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन में क्या क्या, ओ टू एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड जी टू पी परपेंडिकुलर टू ओ टू एन इज ड्रॉन, हम जी टू पी परपेंडिकुलर टू ओ टू एन इज ड्रॉन कर दिया। अब नेक्स्ट काम है हम लोग का जेड निकालना, यानी जी टू एम निकालना। ओके तो हम डायग्राम नहीं पूछेगा, रब नहीं करेगा, तुम लोग अच्छे से देखो, ये लिखने का पार्ट कुछ भी नहीं है, तुम लोग जो डायग्राम में बनाया वही लिखना है, ये आर्क लेंथ वाला पार्ट है, ये एंगल पकड़ा है, तुम लोग अगर पिछला वीडियो अच्छे से देखा है तो तुम लोग इजीली समझ जाएगा ये। ओके तुम लोग नोट डाउन करना है तो तुम लोग पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, पर ये बुक में भी अवेलेबल है इजीली, अच्छा लैंग्वेज में, तो तुम लोग ये भी लिख सकते हैं और बुक का भी लिख सकते हैं, दोनों सही है ना। तो हम लोग जेड क्या लिख सकता है, जेड इक्वल टू जी टू एम, ऑब्वियसली जी टू एम, पर जी टू एम इक्वल टू क्या है, ऑब्वियसली पी एन, पी एन है, पर पी एन को क्या लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली ओ टू एन माइनस ओ टू पी, तुम लोग ऑब्जर्व करेगा इसे पी एन को हम लोग लिख सकते हैं ओ टू एन माइनस ओ टू पी। अब तुम देखो ओ टू एन, पहला बात हम अब डायग्राम लेता है ये वाला, इन ट्रायंगल ओ टू ओ एन एन, ऑब्वियसली ये ट्रायंगल लेगा बिकॉज हमको ओ टू एन का वैल्यू चाहिए, ये थीटा है, तो दिस ट्रायंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइट होगा, तो हम लोग क्या लिख सकता है, ऑब्वियसली बेस बाय हाइट इक्वल टू कॉस थीटा, ये लिख सकता है, और बेस क्या है ओ टू एन, हाइट क्या है ऑब्वियसली एच ही सॉरी ओ टू, हाइट है ओ ओ टू विच इज कॉस थीटा, यानी ओ टू एन इक्वल टू ओ ओ टू कॉस थीटा हम लोग लिख सकता है, पर ओ ओ टू क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तुम देखिएगा ओ टू मतलब क्या, ओ ए टू प्लस ए टू ओ टू, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बाय डायग्राम तुम लोग देख सकते हैं, ये होगा आर प्लस आर कॉस थीटा, तो तुम सीधा ओ टू उनको क्या लिख सकता है, आर प्लस आर कॉस थीटा तुम लिख सकता है, कॉस थीटा प्लस फाइव सॉरी कॉस थीटा नहीं सही है, कॉस थीटा लिख सकता है, ये एंगल थीटा ही है। ओके तो देखो ट्रायंगल का पड़े हम कौन सा ट्रायंगल लिया, ओ ओ टू एन, बिकॉज हमको ओ टू एन चाहिए था, और ओ ओ टू का वैल्यू है आर प्लस आर, बाई डायग्राम में ही पता चला बिकॉज ओ ओ टू इज रिटन एज ओ ए टू प्लस ए टू ओ टू, बट ओ ए टू कैपिटल आर है, ए टू ओ टू स्मॉल आर है। ओके तो ये डायग्राम से निकाला, अगेन तुम अगर देखिएगा फ्रॉम द ट्रायंगल ओ टू पी जी टू, ये हम लोग का क्या है, तुम अगर ऑब्जर्व करेगा ये हम लोग का है फाइव प्लस थीटा, बिकॉज जी टू ओ टू पी मतलब क्या, ये फाइव ये थीटा, तो फाइव प्लस थीटा यानी ये एंगल है फाइव प्लस थीटा, पर हमको चाहिए ओ टू पी, अब ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर या बेस हुआ ये हाइट हुआ, तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं बी बाई एच इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव, ऑब्वियसली थीटा प्लस फाइव, अब बेस क्या हम लोगों का ओ टू पी, हमको इसका वैल्यू चाहिए, ये है जी टू ओ टू विच इज कॉस थीटा प्लस फाइव, ऑब्वियसली। अब तुम देखो यहां से ओ टू पी क्या लिख सकता है, ऑब्वियसली जी टू ओ टू कॉस थीटा प्लस फाइव, ये सब तुमको लिखने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो बिकॉज तुम बाई डायग्राम ही बता रहे हैं, हम बस ये एक्सप्लेनेशन के लिए तुमको करके दिखा रहे हैं, ये ट्रायंगल वाला पार्ट लिखने का जरूरत नहीं है। अब तुम देखो जी टू ओ टू का वैल्यू, जी टू ओ टू का वैल्यू क्या होगा, बी ओ टू, हम लोग जी टू ओ टू को क्या लिख सकते हैं, बी ओ टू माइनस बी जी टू, और ये तो कॉस थीटा प्लस फाइव है, हम लोग जी टू ओ टू को लिख सकता है बी ओ टू माइनस बी जी टू, बी ओ टू से बी जी टू को माइनस करेगा, जी टू ओ टू ही बचेगा, ये डायग्राम में है,
तुम लोग का बुक में भी डायग्राम है, तुम अच्छे से देख सकते हैं, या तुम ये डायग्राम कॉपी में उतार लो वीडियो देखने का पहले, ताकि जब देखे तो तुम कॉपी से भी मैच कर सके। ओके, तुम कर सकते हो तुम्हारा सुविधा के हिसाब से। अब बी ओ टू क्या है हम लोग का? ऑब्वियसली बी ओ टू आर बिकॉज रेडियस। अब बी जी टू क्या है? हाइट, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव। ऑब्वियसली जो बी ओ टू है वही हम लोग का ओ टू ए टू है, रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड बी जी टू क्या हुआ? बी जी टू तुम अगर देखिएगा, ये ए वन जी वन ही बी जी टू बना है, बिकॉज ए वन बी से रिप्लेस हुआ है, जी वन जी टू से रिप्लेस हुआ है। दैट मीन्स ए वन जी वन एच है, मतलब क्या, ए वन को बी बना दो, जी वन को जी टू बना दो, तो बी जी टू भी हम लोग का एच ही है, ये भी हम लोगों का एच ही है। और ओवरऑल आर था तो आर माइनस एच। अल्टीमेटली तुम ओ टू पी का जगह क्या लिख सकते हैं? आर माइनस एच कॉस थीटा प्लस फाइव, तुम ऐसे लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट लिखना है, बट तुम लोगों को बस डायग्राम से समझना है कैसे आया सब। इस एक जी टू ओ टू पी ट्रायंगल लेके ये निकाला, एंड ओ टू एन ट्रायंगल लेके हम लोग ये वाला निकाला। तो तुम लोग देख सकते हो अच्छे से, रफली ये लिख लेना तो इजी होगा तुम लोगों को। ओके, अब तुम देखो यहाँ पे हम लोग फाइव का वैल्यू निकाला था, फाइव इक्वल टू आर बाई स्मॉल आर थीटा, तो हम रिप्लेस कर देगा आर प्लस आर कॉस थीटा माइनस आर माइनस एच कॉस थीटा थीटा प्लस आर बाय आर। ऑब्वियसली हम लोग फाइव का वैल्यू रिप्लेस किया, आर बाय आर थीटा हम लोग रिप्लेस किया। ओके, अब देखो आर प्लस आर कॉस थीटा माइनस आर माइनस आर कॉस ऑफ थीटा, थीटा कॉमन लेगा तो बचेगा वन प्लस आर बाय आर, हम एलसीएम ले लेगा, येगा आर प्लस आर। तुम देख सकते हो जब थीटा कॉमन लेगा क्या बचेगा? थीटा इंटू वन प्लस आर बाय आर, ये बचेगा। और जब एलसीएम लेगा तो ये क्या होगा? आर प्लस आर, तो हम डायरेक्ट लिख दिया आर प्लस आर बाय आर। तो ये है हम लोगों का जेड, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा डी जेड डी थीटा। अब ये देखो, सो अब डी जेड डी थीटा निकालेगा हम लोग, तो डी जेड डी थीटा मतलब क्या, जेड को डिफरेंशिएट, ये जेड है हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेगा, तो ऑब्वियसली ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो ऑब्वियसली माइनस बाहर आ गया, माइनस आर प्लस एच। हम लोग मालूम है डी डी थीटा ऑफ कॉस ऑफ एम थीटा इज माइनस एम साइन एम थीटा, क्यों? एम बाहर आ जाता है हम लोग को मालूम है। ओके, तो यहाँ पे भी वही होगा, ऑब्वियसली कॉस ऑफ, यहाँ पे एम क्या है? आर प्लस आर बाय स्मॉल आर, दैट मीन्स आर प्लस आर बाय स्मॉल आर साइन ऑफ थीटा आर प्लस आर बाय आर, ये होगा हम लोगों का डी जेड डी थीटा। सिंस एक माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ओके, नाउ हम लोग मालूम है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है? डी जेड डी थीटा इक्वल टू जीरो। इट इज ऑनली पॉसिबल व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, बिकॉज साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो ही हो जाएगा। और तुम बाय डायग्राम भी ऑब्जर्वेशन कर सकता है, ये रहा एंगल थीटा, तो एट इक्विलिब्रियम मतलब क्या, ये ओ टू वर्टिकल लाइन को ओ वन में ही होना पड़ेगा, और वो कब होगा? जब ये थीटा जीरो होगा, तुम बाय डायग्राम में भी देख सकते हैं। नाउ अब हम लोग को स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर, मतलब और एक बार डिफरेंशिएट करना। ना डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर बहुत सिंपल है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का खेल है। इसमें भी देखो वो ये माइनस आर प्लस आर, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आर प्लस एच, सॉरी इट्स माइनस एच, आर माइनस एच, आर माइनस एच। ओके, आर माइनस एच आर प्लस आर बाय आर। अब तुम देखो ऑब्वियसली वापिस वही डी डी एक्स ऑफ साइन एम थीटा, वापिस एम बाहर आएगा तो डी डी एक्स ऑफ साइन थीटा क्या होगा? कॉस एम थीटा, ऑब्वियस सा बात है। ये डी डी थीटा ऑफ साइन एम थीटा क्या होता है? ऑब्वियसली एम कॉस एम थीटा। तो ऑब्वियसली ये जब बाहर आएगा, ऑलरेडी ये टर्म है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एक टर्म और मल्टीप्लाई हो गया, और कॉस ऑफ थीटा आर प्लस आर बाय आर। ओके, तो ये हो गया हम लोग डी स्क्वायर जेड बाय डी थीटा स्क्वायर। बट हम लोग चेक किस में करेगा स्टेबिलिटी? एट थीटा इक्वल टू जीरो, बिकॉज थीटा इक्वल टू जीरो में इक्विलिब्रियम है। देयरफॉर
स्क्वायर जेड बाय डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ऑब्वियसली कॉस जीरो वन प्लस आर माइनस एच बाय आर प्लस आर बाय आर होल स्क्वायर ऑब्वियसली थीटा जीरो हुआ तो ये भी कॉस जीरो हो गया डॉट वन ओके तो हम इसको पूछ रहे हैं कुछ भी डाउट हो तो वो हमको हाथों हाथ पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम में या कमेंट बॉक्स में अब डिस्कॉर्ड जेड बाई डी थीटा स्क्वायर ये निकला दैट मीन्स डिस्कॉर्ड जेड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर प्लस आर प्लस आर माइनस एच बाय आर प्लस आर बाय आर होल स्क्वायर ये निकला हम लोग का ओके अब तुम देखो इसमें हम लोग क्या कॉमन लेगा आर प्लस आर बाय होल स्क्वायर इसमें कॉमन लो आर प्लस आर बाय आर होल स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बचेगा ऑब्वियसली माइनस आर स्क्वायर बाय आर प्लस आर प्लस आर माइनस एच यही बचेगा तुम अगर कॉमन लेगा तो बिकॉज यहाँ पे ये पूरा का पूरा आर माइनस एच यहाँ से आर प्लस आर बाय आर के तो ये बचेगा तुम देखो ऑब्जर्वेशन बिकॉज इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखो यही मिलेगा तुम्हें आर प्लस आर बाय आर होल स्क्वायर अगेन अब हम क्या करेगा सिर्फ ये दो कैल्शियम लेगा माइनस एच को रख देगा हम एच को नहीं लाएगा खाली इस कैल्शियम लेगा तो ये क्या होगा आर इंटू आर प्लस आर बाय आर प्लस आर ये होगा ऑब्वियसली ये दो कैल्शियम लिया अब तुम देखेगा हम इसी स्टेप में कर देते हैं तुम कर सकते हैं जब आर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा आर आर प्लस आर स्क्वायर ये बचेगा ऑब्वियसली बचेगा और तुम देखिएगा आर स्क्वायर कट रहा है तो अल्टीमेटली बचेगा क्या आर आर ही बचेगा हम डायरेक्टली लिखेगा आर आर बाई आर प्लस आर ओके कोई डाउट है इसमें एकदम सिंपल था इससे स्टेप डायरेक्टली ये स्टेप लिखा बिकॉज दो बार बेकार का दो बार इंक्रीज करके फायदा है नहीं तुम लोग बाय ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं एलसीएम लेगा मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर कट जाएगा ओके नाउ अब देखो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप है नाउ द सिस्टम इज इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू एस डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन और लेस देन जीरो मतलब जब भी डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा यानी पॉजिटिव होगा तब सिस्टम स्टेबल होगा और जब भी डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर लेस देन जीरो होगा तब सिस्टम अनस्टेबल होगा अब क्यू ग्रेटर देन जीरो या क्यू लेस देन जीरो से स्टेबल अनस्टेबल होता है इसका कॉन्सेप्ट हम अपना पिछला वीडियो में दिया हुआ है तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और अगर समझ ना तो पिछला वीडियो वापस से देख लो वहाँ पे ये दिया हुआ है क्यू ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो से होने से ही स्टेबल और अनस्टेबल होता है वहाँ पे हम अच्छे से समझाया तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं इट इज स्टेबल और अनस्टेबल इफ डिस्कॉर्ड बाय डी थीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन और लेस देन जीरो तो दैट मीन्स पूरा का पूरा बैठा देगा आर प्लस आर बाय आर होल स्क्वायर आर आर बाय आर प्लस आर माइनस एच ग्रेटर देन और लेस देन जीरो क्लियर है क्योंकि हम ये डायरेक्ट बैठा दिया ऑब्वियसली ये इधर जाएगा इधर जीरो है तो गायब हो जाएगा मतलब डिवाइडेड बाय जीरो तो ये बचेगा आर प्लस आर बाय आर प्लस आर माइनस एच ग्रेटर देन और लेस देन जीरो बिकॉज इसको इस तरफ लाएगा जीरो डिवाइडेड बाय होगा ओके हम एक बार में ही कह दिया बिकॉज हम पहले ग्रेटर देन जीरो लिख के सॉल्व किया फिर लेस देन जीरो लिख के सॉल्व करो फायदा नहीं है एक बार में स्टेप बच रहा है क्योंकि चीज एक ही है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया तुम पिछला थ्योरम में भी वैसे कर सकते हो उसमें हम ईच एंड एवरी स्टेप दिखाया था करके पर तुम चाहे तो ऐसे कर सकता है पिछला थ्योरम में भी ओके तो ऑब्वियसली आर आर बाय आर प्लस आर अब इस माइनस एच को इस तरफ ले जाएगा तो एच बाकी ग्रेटर देन और लेस देन एच होगा अब आर आर बाय आर प्लस आर सॉरी आर प्लस आर बाय आर आर अब जब हम रेसिप्रोकल कर दे ये वन बाई एच हो जाएगा ऑब्वियसली उल्टा कर दिया तो ये आर प्लस आर बाय आर आर तो ये एच वन बाई एच होगा तो ये सिंपल भी उल्टा हो जाएगा ये ग्रेटर देन से लेस देन लेस देन से ग्रेटर देन तो तुम यहां से बोल सकते हैं अगर अच्छा ये वाला भी कर देता ये बन जाएगा तुम्हारा वन बाय आर प्लस वन बाय आर लेस देन और ग्रेटर देन वन बाई एच ओके हम लोग पहले ये वाला सिंबल लेते हम लोग को मालूम था पहला वाला सिंबल था स्टेबल के लिए तो ये वाला सिंबल है स्टेबल के लिए तो क्या बोल सकता है यहां से
वन बाई एच ग्रेटर देन वन बाय आर प्लस वन बाय आर, दैट मीन्स द सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ ये पहला वाला सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स वन बाय आर प्लस वन बाय आर इज लेस देन वन बाई एच, वन बाय आर प्लस वन बाई इज लेस देन वन बाई एच, हम एक बार उल्टा दिया, एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ क्या होगा बाद वाला, दैट मीन्स वन बाई एच इज लेस देन वन बाय आर प्लस वन बाय आर। तो ये है हम लोगों का दो कंडीशन, पिछला थ्योरम से एकदम सेम ही है, पिछला थ्योरम में रो वन और रो टू था हम लोगों का, यहाँ पे आर और कैपिटल आर है, तुम चाहे तो रिप्लेस भी करेगा तो यही कंडीशन होता है, सेटिस्फाई करता है। बट तो ये इतना था, जो ये हम लोग का था स्टेबल और अनस्टेबल का, ये स्टेबल का कंडीशन है, ये अनस्टेबल का कंडीशन है। पर यहाँ पे एक केस एक्स्ट्रा आएगा, व्हाट इफ वन बाय एच इक्वल टू वन बाय आर प्लस वन बाय आर, अगर ये इक्वल हो जाए तो क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? ऑब्वियसली अगर ये देखो हम लोग को मालूम है डी स्क्वायर जेड बाय डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ये ग्रेटर हुआ, लेस देन जीरो हुआ तो ये लेस देन हुआ, दैट मीन्स ये इक्वल टू जीरो होने से हम लोग को ये इक्वल मिलता, मतलब जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये इक्वल टू जीरो हो जाता है, और फिर हम लोग क्लेम नहीं कर पाता ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेगा, डबल वापिस से डिफरेंशिएट करेगा, हम लोग निकालेगा डी क्यूब जेड बाय डी थीटा क्यूब प्लस डी फोर जेड बाय डी थीटा फोर, उसमें हम लोग चेक करेगा जी जब इक्वल होता तो क्या होता है, उसी में हम लोग को पता चलेगा। ओके तो इसमें क्या खाली तुमको यही एक स्टेप है जो एक्स्ट्रा करना पड़ता, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो चांसेस कम है एग्जाम में आने का, अगर आ जाए तो अच्छा खासा 67 मार्क्स देगा इसमें, और अच्छा होगा, बहुत सिंपल है, सम टफ नहीं है, बस थोड़ा बड़ा है। ओके सो नेक्स्ट हम लोग चेक करेगा कौन सा केस के लिए, 1 by h equal to 1 by r plus 1 by r के लिए। ओके अब 1 by h equal to 1 by r plus 1 by r के लिए चेक करेगा, जिसमें g square z by g theta square 0 होता है, हम अभी भी दिखाया। ओके दैट इज 1 by h equal to r plus r by r, माने r r एलसीएम लेके इसमें से हम क्या करेंगे, h by r निकलेगा, मतलब h को इधर ले गया और बाकी को इधर ले आया, h by r निकालेगा, h इस तरफ ले गया r को रखा तो ये कैपिटल r इस तरफ गया, r plus r नीचे आया, तो ये हम लोग को मिला h by r equal to r by small r by r। नाउ अब ये चीज हम लोग क्या निकालेगा, डी क्यूब जेड डी थीटा क्यूब एंड डी फोर जेड डी थीटा फोर। ओके हम लोग का था ये डी स्क्वायर जेड डी थीटा स्क्वायर, तो डी क्यूब निकालेंगे एक बार डिफरेंशिएट करेगा। अब तुम देखो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आर प्लस आर साइन थीटा माइनस, सिमिलरली डी डी थीटा ऑफ कॉस ऑफ समथिंग है तो ऑब्वियसली आएगा साइन ऑफ समथिंग, तो उसमें भी माइनस निकलेगा तो माइनस माइनस निकलेगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब आर माइनस था ये था, अब ऑब्वियस सी बात है इसमें भी थीटा इंटू एम है, एम बाहर निकलेगा। ओके तो एम बाहर निकलेगा, जैसे ये एम बाहर निकलेगा ये ऑलरेडी यहाँ पे है तो ऑलरेडी स्क्वायर था, एक और बाहर निकला क्यूब हो गया और साइन ऑफ थीटा समथिंग बन गया। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, जैसे हम लोगों ने डिस्कोर जेड थीटा स्क्वायर निकाला वैसे सिमिलरली वापस इसको डिफरेंशिएट करेगा तो डी फोर निकलेगा, तो आर प्लस आर साइन थीटा का कॉस थीटा आर माइनस एच। ओके अब इसको डिफरेंशिएट करेगा तो ये कॉन्स्टेंट वापिस बाहर निकलेगा, तो आर प्लस आर बाय आर वापिस बाहर निकला तो सेम क्यूब था तो पावर फोर हो जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी एम था, यहाँ से एम और निकला था एम क्यूब इंटू एम एम टू पावर फोर और ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ओके तो डी क्यूब जेड डी थीटा क्यूब डी क्यूब जेड डी थीटा क्यूब इक्वल टू जीरो है, थीटा इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली तुम देख सकते हैं साइन जीरो और साइन जीरो बैठाने से ये जीरो ही होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो थीटा इक्वल टू जीरो में डी क्यूब जेड थीटा क्यूब भी जीरो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेगा डी फोर जेड डी थीटा फोर है थीटा इक्वल टू जीरो निकाल देगा, तो ऑब्वियसली कॉस जीरो वन हो गया, कॉस जीरो वन हो गया, दैट मीन्स डॉट वन डॉट वन। ओके अब हम क्या करेगा इसमें से r प्लस आर कॉमन लेगा, याद रखना r प्लस आर कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, यहाँ वन ही बचेगा, इसको छोड़ इसको नहीं लिखेगा, r प्लस आर क्या वहां वन बचेगा r माने सी। अब हम क्या करेगा यहाँ से जब r प्लस आर कॉमन लेगा तो क्या बचेगा r प्लस आर होल क्यूब डिवाइडेड बाय r होल क्यूब, तो ये था r टू डी पावर फोर यहाँ है r क्यूब, तो एक r को हम इधर ले आया, तुम देखो r प्लस आर कॉमन लिया तो r प्लस आर होल क्यूब बचा डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी r क्यूब बचा पर यहाँ था r टू डी पावर फोर तो हम यहाँ पे r लिख लिया है, मैंने r माइनस r r माइनस h बाय r हम अरेंज कर लिया इसको, हम इसको अरेंज किया सिंस यहाँ पे क्यूब बचा था तो इसको भी हम क्यूब में रख के एक r को यहाँ लिख लिया। तुम अच्छे से कैलकुलेट करो, बहुत सिंपल है, हम क्या किया r प्लस r कॉमन लिया तो पावर फोर था तो थ्री हो गया, सिंस हम होल ब्रैकेट में r क्यूब लिखा है r में भी पावर फोर था तो एक r यहाँ पे ला दिया ताकि दोनों मिलकर पावर फोर हो। ओके बाकी कंटिन्यू करता है, अब देखो बहुत सिंपल है ये डी फोर डी जेड डी थीटा फोर,
क्या है? आर प्लस आर, वन माइनस, अब इसको आर को डिवाइड कर सकता हूँ, क्या लिखेगा? वन माइनस एच बाय आर लिख सकता है इसको, ऑब्वियसली लिख सकता है, आर आर डिवाइड या एच बाय आर लिखेगा, इंटू आर प्लस आर बाय आर होल क्यूब, ये बचेगा। अभी जब इसको एलसीएम को हटा दिया ना, आर प्लस आर बाय आर वन माइनस एच बाय आर हम निकाला था, वन माइनस आर बाय आर प्लस आर हम रब कर दिया। तुम थोड़ा सा बैक जाके 10 सेकंड बैक जाके देखो, हम एच बाय आर का वैल्यू निकाला था साइड में, और एच बाय आर था आर बाय कैपिटल आर प्लस आर था, ये एच बाय आर का वैल्यू था, हम निकाला था। अब ये क्या बचेगा? ऑब्वियसली इसमें एलसीएम लेगा तो आर प्लस आर, ये गया आर प्लस आर माइनस आर, ये आर कट गया, तो बचेगा सिर्फ आर, ओके सिर्फ आर ही बचेगा, एंड आर प्लस आर बाय आर होल क्यूब। अब तुम देखो, ऑब्वियसली यहाँ 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 कटेगा, तुम देखो बहुत सिंपल है, वन माइनस ये और ये कट गया, तो बचेगा इधर आर प्लस आर होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तुम्हारा यही बचेगा इसमें, ओके। ये बचेगा आर प्लस आर वन माइनस आर प्लस आर बाय आर होल स्क्वायर, दैट मीन्स आर प्लस आर वन माइनस, इसमें भी हम अलग करेगा तो ये बचेगा वन प्लस आर बाय आर होल स्क्वायर, ओके। ये सब हम फिर बता देना है, ऑब्वियसली ये बचा आर प्लस आर कट गया, क्यूब था तो स्क्वायर बचा, क्यूब था तो स्क्वायर बचा। अब इसको हम स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर प्लस आर बाय होल स्क्वायर, अब बोथ साइड डिवाइड कर लिया, ऐसे था आर प्लस आर बाय आर था, तो अलग अलग कर लिया तो आर बाय आर प्लस आर बाय आर, यही कर गया तो वन, तो वन प्लस आर बाय आर, तो यही बचा अंदर में, ओके एकदम सिंपल था। अब तुम ऑब्जर्व करेगा कि ये लेस देन जीरो है, क्यों? क्योंकि वन प्लस आर बाय आर होल स्क्वायर एक पॉजिटिव टर्म है, और ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन वन ही है इवन, क्योंकि वन प्लस समथिंग है, मतलब वन प्लस ये होल स्क्वायर क्या होगा, वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस ए स्क्वायर, जो भी है ये प्लस है तो सारा पॉजिटिव टर्म है, तो वन प्लस समथिंग है, तुम बोल सकते हो वन प्लस ए होल स्क्वायर वन प्लस समथिंग है, तो डेफिनेटली ये वन से बड़ा है, तुम ये भी लिख सकता है वन प्लस ए इज ग्रेटर देन वन फॉर ए पॉजिटिव, वन प्लस ए होल स्क्वायर इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन वन, ओके। तो ये ग्रेटर देन वन है, अगर ये ग्रेटर देन वन है तो वन माइनस समथिंग, दैट मीन्स वन माइनस दिस वन माइनस वन प्लस आर बाय आर होल स्क्वायर इज लेस देन जीरो, ये इस तरफ ले जाओ तो लेस देन जीरो, दैट मीन्स अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो मल्टीप्लाई होकर निगेटिव देगा, हेंस इट इज लेस देन जीरो, और हमको मालूम है जब ये लेस देन जीरो होगा दैट मीन्स दैट इज मैक्सिमम, एंड हेंस इट इज स्टेबल। मैक्सिमम क्यों लेस देन जीरो में पिछला वीडियो में समझाया हुआ है, तो देख लेना, इट इज अनस्टेबल, तो अनस्टेबल हुआ ये, तो अब ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम डायग्राम में देता है, ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ वन बाय एच इज ग्रेटर देन वन बाय आर प्लस वन बाय आर एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ वन बाय एच लेस देन टू लेस देन टू थाई लेस देन टू थाई। अब इक्वल के लिए भी ये अनस्टेबल है, तो दैट मीन्स इक्वल टू वन बाय आर प्लस वन बाय आर, दैट मीन्स अगर इक्वल भी हो तो भी अनस्टेबल ही होगा, तो यही हम लोग का कंडीशन है, यही इतना बड़ा प्रूफ है, एकदम सिंपल प्रूफ है, कैलकुलेशन बेस्ड है, और आने से अच्छा बात है 7 मार्क इजिली मिल जाएगा, क्योंकि सम्स आने से सम्स में अटकने का चांसेस ज्यादा रहता है, अगर थ्योरम दे दे तो तुमको मार्क्स स्कोरिंग होगा, ओके सम्स के लिए तुम लोग को बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम हम कराएगा इसी से रिलेटेड कुछ सम्स, ओके। सो गाइस, अब हम लोग एक्सरसाइज का और बढ़ता है, तो अपना हम लोग जितना भी थ्योरम्स किया, जो 2-3 थ्योरम किया है, तो उस बेसिस पे ये सब एक्सरसाइज है, वो स्टेबल का कंडीशन अनस्टेबल का कंडीशन वो सब यूज होकर ही करेगा, तो तुम लोग देख सकते हैं स्क्रीन में क्वेश्चन दिया हुआ है, साइड में स्क्रीन में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज ए, तो हमें एक क्यूबिकल बॉक्स ले लिया जिसका एज ए ए है, ओके इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए फिक्स्ड स्फीयर, तो ये स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस, इस स्फीयर का सेंटर ओ है सपोज, ओके तो एक स्फीयर ले लिया,
अब बोला है क्वेश्चन में बोला है चाहिए स्क्वायर, ये क्यूब को हम स्क्वायर के ऊपर रख दिया है। ओके तो सपोज वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, बोली गया इस क्यूब का जो ये फेस है, इस फेस का सेंटर यानी ये फेस का सेंटर को, फेस का सेंटर से मतलब इज इन कॉन्टेक्ट विद द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर। अभी एक स्फीयर लेगा तो स्फीयर का हाइस्ट पॉइंट ऑब्वियसली ये होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर का सेंटर को हम लोग प्लेस किया, मतलब अगर ये एक सर्कल है सपोज, सॉरी ये अगर सर्कल है तो सर्कल का हाईएस्ट पॉइंट ये होता है, जीरो पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग एक स्फीयर प्लेस किया सच दैट जो ये जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा इस फेस का, मीनिंग वही है ये मिड पॉइंट होगा इस फेस का, तो ऑब्वियसली ये मिड पॉइंट है बोल दिया क्वेश्चन ने, तो फेस का सेंटर से हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रखा है, मीनिंग यही है। तो अब पूछा है जो इस स्फीयर का लीस्ट वैल्यू कितना होना चाहिए सच दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो कंडीशन बोल दिया क्वेश्चन में जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हम लोगों रेडियस ऑफ द स्फीयर निकालना है, तो ओके वही पकड़ा लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस से बी and the point of contact between the cubical box of side A, cubical box of side A and the sphere B, A. तो हम डायरेक्ट लिखा जो डायग्राम में बना वही लिखा, कुछ खास नहीं है। Now, if G is the CG of the cubical box, obviously cubical box है, तो उसका G कौन सा होगा? सेंटर में होगा। Then AG, AG कितना होगा? जब सेंटर में अगर G है, टोटल साइड का लेंथ A है, तो AG होगा 1 by 2, obviously 1 by 2A. तो हम लोग का पता ही है, स्क्वायर का CG 1 by 2A होता है, क्यूब का। तो तुम लोगों को ये सब क्वेश्चंस करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रहना पड़ेगा, चाहे हेमिस्फीयर का हो, स्फीयर का हो, स्क्वायर का हो या कोन का हो, किसी भी चीज का हो, तुम लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कोई भी सरफेस या शेप का। तो हम लोग को मालूम है क्यूब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1 / 2a होता है, तो हम लोग लिख दिया ag = 1 / 2a। अब देखो अकॉर्डिंग टू थ्योरम स्टेबल कब होता है, जब 1 / h इज लेस देन सॉरी इज ग्रेटर देन 1 / रो 1 प्लस 1 बाई रो 2, ये हम लोग का स्टेबल का कंडीशन, तो हम लोग इसको यूज करेगा। तो तुम लोग अच्छे से समझ गया क्वेश्चन में क्या बोला, हम फिर से बोल देता है एक क्यूबिकल बॉक्स दिया, उस क्यूबिकल बॉक्स को हम लोग स्फेयर के ऊपर प्लेस कर दिया। अब बोल दिया जी सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो बी का कौन सा मिनिमम बी का वैल्यू क्या होना चाहिए सच दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, वही पूछा है। ओके तो हम लोग कंटिन्यू करता है, हम लोग को ये कंडीशन है, अगर स्टेबल होने से ये कंडीशन होता है हम लोग को मालूम है। ओके हम लोग रो वन रो टू निकालेगा, रो वन क्या होता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अपर बॉडी, अपर बॉडी क्या है क्यूबिकल बॉक्स, एंड रो टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर बॉडी, लोअर बॉडी क्या है स्फीयर, ऑब्वियस बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर यानी स्फीयर का रेडियस क्या है बी, एंड इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस अपर बॉडी का रेडियस मतलब इस सर्फेस का रेडियस, ये लाइन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में इसका रेडियस पूछ रहा है। अब तुम देखो ये एक प्लेन है, ऑब्वियसली ये एक प्लेन है, तो इसका अगर रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेगा तो पता नहीं कौन सा एक सर्कल का पार्ट है, इवन ये प्लेन भी किसी एक सर्कल का पार्ट है, और जब ये एक प्लेन दिख रहा मतलब क्या करीब सर्कल ऐसा रहा होगा बहुत बड़ा, मतलब इसका रेडियस इन्फिनिटी है, पता नहीं कितना दूर है, तो इसका रेडियस हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी इस टाइप का सर्फिस का। और मालूम ही है तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ा जाए प्लेन मिरर का हो या किसी भी चीज का हो तो प्लेन सर्फिस का रेडियस इन्फिनिटी होता है, तो इसका इन्फिनिटी हो गया। ओके तो ओके नाउ सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो क्या लिख सकता हूं, 1 बाय एच इज ग्रेटर देन 1 बाय रो 1 प्लस 1 बाय रो 2। अब एच क्या होता है, एच क्या होता है हम लोग का हाइट ऑफ द सीजी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तुम जितना भी प्रीवियस थ्योरम हम लोग किया उसमें एच हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ही हाइट पकड़ा है, तो ऑब्वियसली एच कितना हम लोग का 1 बाय 2 है, तो हाइट भी हुआ 1 बाय 2 है, हम लोग का यही एच होता है जितना भी प्रीवियस डायग्राम किया हम लोग। ओके तो ऑब्वियसली 1 बाय 2 है greater than 1 by infinity plus 1 by e, sorry 1 by b, yani 2 by a greater than 0 plus 1 by b, तो क्या हो सकता है 1 by b is less than 2 by a, that means a is less than 2b, that means b is greater than a by 2, that means least value बोला था मतलब minimum value a by 2 होना पड़ेगा b का, पर b क्या था radius of the sphere, hence least radius is a by 2 means half of the side of the cubical box, तो यही हम लोग का आंसर है, जस्ट टेबल का हम लोग कंडीशन यूज करके निकाला, कुछ टफ नहीं था सिंपल था, इस टाइप का अभी तक आया नहीं पर आने का चांसेस रहता है, 3 मार्क में नॉर्मली देता है 3 या 4 मार्क्स, 4 मार्क्स में भी दे सकता है 3 मार्क्स में भी दे सकता है, यूजुअली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट
अपर कर्वेचर का रो वन पता होना, नीचे का रो टू पता होना, और एच यानी तुमको सीजी पता होना पड़ेगा। तो तुम लोग इसके लिए सीजी लर्न कर लो, ये सीजी क्या होता है हर एक चीज का। ओके, तो तुम लोग सीजी पता होना पड़ेगा। सिमिलर एक और क्वेश्चन करते हम लोग, सिमिलर है इसी टाइप का है। तुम लोगों को कुछ भी डाउट हो तुम लोग हमको व्हाट्सएप में भी पूछ सकता है, गूगल क्लास में पूछ सकते हो, यहाँ कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकता है। तो एक और क्वेश्चन देखो, हम स्क्रीन में दे दिया। ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2b रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन ए परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस, स्फीयर ऑफ रेडियस है, सो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू एस बी इज लेस देन और ग्रेटर देन ए। तो ऑब्वियसली एक यूनिफॉर्म बीम बोला, ऑब्वियसली इसमें स्फीयर यूज हो रहा है तो हम स्फीयर को नहीं हटा रहे, तो बीम हमेशा इस टाइप का होता है। तो हम लोग बना रहे थे ये बीम है सपोज, ये पूरा का पूरा, तो इसका थिकनेस बोली दिया 2b है, तो ऑब्वियसली इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होगा जी, ये पॉइंट ऑफ सेंटर ए एकदम दिख तो पहले वाला समझे सही है, बस ये स्क्वायर का जगह एक रेक्टेंगल फॉर्म ले लिया, पतला सा रेक्टेंगल जिसका थिकनेस बहुत कम है। अब अगर 2b इसका थिकनेस है तो b क्या होगा इसका रेडियस, तो हम लोग यहाँ पे इसको ए मान लेता, क्वेश्चन में दिया हुआ इसका ए है, तो सेम ही लिखेगा, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस, हम लोग चेंज कर देगा ए एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द क्यूबिकल बॉक्स। अब क्यूबिकल बॉक्स नहीं लिखे, क्या लिखे, बिटवीन द बीम ऑफ थिकनेस 2b एंड स्फीयर बी ए, सेम लिखा। नाउ इफ जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम देन ए जी क्या होगा 1/2 बीम, इसका जगह हो जाएगा बी, सेम पहला वाला क्वेश्चन जैसा ही है, जस्ट इस बार स्क्वायर का जगह क्या रिप्लेस हो गया, बीम रिप्लेस हो गया जो कि एक रेक्टेंगल फॉर्म में होगा। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बी होता है सी जी, ए जी हम लोग को बी दिया हुआ है, डेफिनेटली इसका भी रेडियस इनफिनिटी होगा और इसका रेडियस तो इस बार ए है। इस बार बोला नहीं है स्टेबल है या अनस्टेबल, इस बार क्वेश्चन में दिखाने दिया है जी, अगर स्टेबल होता है, क्वेश्चन में बोली दिया अगर स्टेबल होता है तो बी इज लेस देन ए और अगर अनस्टेबल होता है तो बी इज ग्रेटर देन, ये हो गया स्टेबल, ये हो गया अनस्टेबल। ओके, तो हम लोग दोनों कंडीशन यूज करेंगे। ओके, पहले सपोज 1/8 इक्वल टू कितना आता, 1/8 ऑब्वियसली 1/8 होता 1/1/2/8, दैट मींस ए बाई टू, एंड 1/√1 + 1/√2 ये क्या होगा ऑब्वियसली 1/∞ नॉट ए बाई टू, ये बी दिया हुआ बी होगा 1/b। 1/√1 + 1/√2 = 1/∞ + 1/8, that means 1/8 is greater than 1/√1 + 1/√2, that means 1/b is greater than 1/8, that means b is less than a। देखो निकल गया b less than a। ओके, नाउ इफ इट इज अनस्टेबल तो क्या होगा, 1/8 इज लेस देन 1/√1 प्लस 1/√2, दैट मींस 1/b इज लेस देन 1/a, दैट मींस b इज ग्रेटर देन, निकल गया b इज ग्रेटर देन। क्वेश्चन अच्छे से प्रो यही निकालने दिया था हम लोगों को, बोला था स्टेबल होता तो b लेस देन है, अनस्टेबल होता तो b ग्रेटर है, तो पहले स्टेबल का कंडीशन बिठाया फिर अनस्टेबल का कंडीशन बिठाया, दोनों कंडीशन बिठा के हम लोगों ने सॉल्व किया। बहुत सिंपल था, बस रो वन निकालना है, रो टू निकालना है, एच निकालना है, तो सीजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तुम लोगों को सीजी पता होना पड़ेगा। हालांकि स्क्वायर और क्यूबॉइड का मालूम है सिंपल है, बिकॉज ये सिमेट्रिक था तो हम लोग इसका मालूम ही आधा होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होता है, और हेमिस्फीयर ये सब का सीजी अलग होता है, तो तुम लोगों को इन सब का सीजी पता होना पड़ेगा। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन है देखो इस लेक्चर का, फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सारा करवा देगा, पॉसिबल हो, पॉसिबल हुआ तो एक ही वीडियो में सारा लेक्चर करवा देगा, सारा क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर्स में आया। तो ये क्वेश्चन देख लेता है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, 2014 और 2016 में आया, एकदम सिमिलर क्वेश्चन से जो हम पिछला 2 करवाया था, एकदम सिमिलर। तो क्वेश्चन देखो स्क्रीन में दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन क्या बोला देखो, बोला है ए हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस। तो एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस स्फीयर का रेडियस के बराबर है, मतलब इसका भी रेडियस ए है, इसका भी रेडियस ए है, सो दैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, मतलब ये इक्विलिब्रियम सिस्टम अनस्टेबल है व्हेन द कर्व सरफेस रेस्ट ऑन द स्फीयर। कर्व सरफेस मतलब अगर ये हेमिस्फीयर है तो ये हो गया कर्व सरफेस, ये हो गया फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट और ये हेमिस्फीयर। अब देखो ये हेमिस्फीयर दो तरीका से रेस्ट कर सकता है, ये अगर स्फीयर है ऐसे भी रेस्ट कर सकता है या फिर ऐसे भी रेस्ट कर सकता है, दो तरीका है हेमिस्फीयर का रेस्ट करने का,
या तो ऐसे या तो ऐसे। तो पहला कंडीशन बोला कर्व सरफेस, और दूसरा कंडीशन तुम देखना बोलेगा, बोला जाए अनस्टेबल व्हेन द फ्लैट सरफेस, मतलब जब फ्लैट सरफेस, तो इसमें होता है अनस्टेबल और इसमें होता है स्टेबल। ये तुम भाई ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो अनस्टेबल, क्यों? क्योंकि तो थोड़ा सा भी हिलाएगा तो ये इस तरफ गिर जाएगा, पर इसको हिलाएगा तो ये वापिस बैक आ जाएगा। ये तुम्हारा भाई ऑब्जर्वेशन वाला खेल है। तो हम लोग पहले करते हैं अनस्टेबल वाला, मतलब कर्व सरफेस, व्हेन कर्व सरफेस रेस्ट ऑन ए स्फीयर। ओके, क्वेश्चन दोनों अच्छे से देख लो, वही बोला। तो पहला कंडीशन है जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा, जब ये कर्व सरफेस रहता है, और दूसरा सिस्टम जब एक हेमिस्फीयर इस तरह से उल्टा रख दे रहे, इस बॉक्स उसको पूरा उल्टा कर दे। ओके, अब देखो सेम वही, लेट ओ एंड ओडेस बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस ए, लिख दिया। द हेमिस्फीयर रेस्ट ऑन द स्फीयर एट ए, सपोज ए पॉइंट, पॉइंट ए बी द हिल। इफ जी इज द सिटी ऑफ हेमिस्फीयर देन ओ डैश जी इक्वल टू सी बाई। अब अगर जी इसका हेली होता है, क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी जी होता है, तो ऑब्वियसली इसका सी जी का लेंथ ये होता है। सेपरेटली तुम अगर स्फीयर हेमिस्फीयर का पढ़ा, ये होता है 3/8 a, ये तुमको मिला हुआ है। सी जी ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3/8 a फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायमीटर वाला पार्ट से अगर करेगा तो 3/8 a होता है, अगर ए रेडियस हुआ हेमिस्फीयर का, ये तुम लोग को मिला हुआ होगा। तो 3/8 a होता है सी जी, तो दैट मीन्स ओ डैश जी, ये ओ डैश जी होगा, और ओ डैश जी का वैल्यू हम लोग को पता होता है हेमिस्फीयर का, अगर जी ये सेंटर ऑफ जी अगर जी होता है तो ओ डैश जी का वैल्यू होता है 3/8 a। ओके, नाउ रोहन क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय क्यूबिकल बॉक्स, ये हो गया नॉट क्यूबिकल बॉक्स, इस बार हो गया हेमिस्फीयर पहला वाला। तो हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है, ऑब्वियसली ए है। सिमिलर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर क्या है, वो भी ए है। एच, एच क्या होता है, हाइट ऑफ सीजी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हाइट ऑफ सीजी क्या हम लोग, तुम देखिएगा तो एजी, हम लोग का हाइट ऑफ सीजी है एजी, पर एजी क्या लिख सकता तुम, ओडेस ए माइनस ओडेस जी, ये पूरा का पूरा से ओडेस जी माइनस को, मतलब ए माइनस 3/8 a, दैट मीन्स 5/8 a, यही होगा हम लोग का ए जी, बिकॉज पूरा का पूरा ए है, इतना ए से इतना माइनस करेगा तो ये बचेगा, और ये हम लोग को मालूम है क्या, 3/8 a, यहाँ पे हम लोग लिख चुका था। तो एकदम सिंपल था एच निकालना, तुम लोग को पता होना पड़ेगा कि हेमिस्फीयर का सीजी क्या होता है। हेमिस्फीयर का सीजी ऊपर से काउंट होता है, मतलब ये तुम लोग को मिला हुआ प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस यूनिट्स में मिला होगा, हमको ध्यान में नहीं है, तो वो 3/8 a होता है। ओके, तो 3/8 है, अब हम लोग को दिखाना है ये अनस्टेबल है, तो ऑब्वियसली पहले हम लोग क्या निकालेगा, 1/h, 1/h क्या होता है, ऑब्वियसली 1/5/8 a, दैट मीन्स 8/5 a, ये है 1/h। अब निकालेगा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 व्हिच इज 1/a प्लस 1/a, दैट मीन्स 2/a। अब सिंस हम लोग को ये दो को कंपेयर करना है, तो हम लोग डिनोमिनेटर सेम बना लेगा, इसको क्या लिखते हैं, 10/5 a, कि बोथ साइड एंड 5, हम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 5 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। तो 5a 5a हो गया, तो ऑब्वियसली 8 इज लेस देन 10, दैट मीन्स लिख सकते हैं सीधा 8/5 a इज लेस देन 10/5 a, दैट मीन्स 1/8 इज लेस देन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2, और जब भी लेस देन होता है द सिस्टम इज, या द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। अनस्टेबल तुम लिख सकते हैं कि जब भी लेस देन होता है। तो हम लोग पहला केस क्या पकड़ा था, ये वाला, मतलब कर्व सरफेस जब रेस्ट करता है, सेम है, कुछ अलग नहीं था, बहुत सिंपल था। रो वन निकाला, रो टू निकाला, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। एच, इस एच के लिए तुमको इसका सीजी पता होना पड़ेगा। ओके, और बाकी जो तो कंडीशन में था ना, 1/1/1 प्लस 1/2, सिंपल है। अब सेकंड वाला केस लेता है, सेकंड वाला केस क्या है, अच्छा ये तो सेम ही होगा ऑब्वियसली। ये सेकंड वाला केस में डायग्राम चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा डायग्राम में, डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हम लोग का डायग्राम हो जाएगा। तो इस बार तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑब्वियसली ये ए है, ये ओडेस्ट मान लिया था, अच्छा ओडीएस को तुम सेंटर पकड़ता हो, ऑब्वियसली ये ओडीएस होगा, दिस अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही ओडीएस होगा, सपोज ये है। ओके, और जी तो यहीं कहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ा हुआ है हेमिस्फीयर का सीजी क्या होता है, ओडीएस से लेके जी तक होता है, मींस डायमीटर से, पिछला में भी वही पकड़ा था हम लोग, ओडीएस जी ही पकड़ा था, ओडीएस जी ही पकड़ा था, तो हम लोग चेंज नहीं करेगा, ओडीएस जी 3/8 a दिया हुआ है, तो यहां पे चेंज क्या आएगा, व्हेन ओडीएस बी द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस रेस्पेक्टिवली, द हेमिस्फीयर रेस्ट ऑन द स्फीयर एट, खाली ओडीएस ये आ जाएगा। ओके, नाउ इफ जी इज द सीजी तो ओडीएस जी इक्वल टू सी बाय, रो वन हम लोग को मालूम है, रो टू सेम सेम हो गया, एच, एच क्या होगा, हाइट ऑफ सीजी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
एच हाइट ऑफ सी जी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर ओ डैश पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, हाइट ऑफ सी जी क्या, ओ डैश जी, और ओ डैश जी क्या है, थ्री बाई एट है, मतलब इस बार एक चेंज नहीं होगा, इस बार जो सी जी था वही हम लोग का एच है, क्लियर है। प्रीवियस टाइम सी जी ऊपर था, मतलब हम लोग ऊपर का डिस्टेंस मालूम था तो हम लोग नीचे का निकाल लिया, तो वो चीज ध्यान देना। कुछ कुछ स्टूडेंट लोग क्या करता है, हड़बड़ी में जो सी जी होता है वही लिख देता है, जरूरी नहीं जो हर केस में वही हो, वो डिपेंड करता है डायग्राम में। ओके अब इस तरफ जाता सेम, ये क्या हो गया, वन बाई टू वन बाय थ्री बाय एट है, दैट मीन्स एट बाय थ्री, ये हो गया, ये तो सेम है, वन बाय ए प्लस वन बाय ए, दैट मीन्स वन बाय टू बाय ए। अब डिनोमीटर सेम करना तो हम बोथ साइड थ्री मल्टीप्लाई करेगा, सिक्स बाय थ्री है। अब तुम देखो कौन सा बड़ा है, एट बाई थ्री है बड़ा या सिक्स बाई थ्री है, क्लियरली एट बाई थ्री इज ग्रेटर देन सिक्स बाय थ्री, दैट मीन्स वन बाई एट इज ग्रेटर देन दिस, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो बहुत सिंपल सम था, कुछ खास था नहीं इसमें, मैं फिर से एक बार बता देता है, इस बार हम लोग फ्लैट सरफेस ले लिया, फ्लैट सरफेस लेते ही सॉरी हम गड़बड़ किया कुछ, हम लोग जैसे फ्लैट सरफेस ले लिया, हम ये गड़बड़ किया देखो, जैसे फ्लैट सरफेस ले लिया इसका रेडियस इंफिनिटी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये रॉन्ग मत करना, जैसे फ्लैट सरफेस ले हम लोग फ्लैट सरफेस का पार्ट देखेगा, और फ्लैट सरफेस का रेडियस इंफिनिटी होता है, बाकी सेम, तो ये हो जाएगा वन बाई रो वन, यानी वन बाई इन्फिनिटी, दैट मीन्स वन बाई ए ही रहेगा, ये बन जाएगा थ्री बाई थ्री ए, बस थ्री, बाकी सब सेम है, कुछ चेंजेस नहीं आएगा, थ्री बाई थ्री ए। ओके ध्यान रखना, क्योंकि जब हम फ्लैट सरफेस ले लिया तो हम लोग फ्लैट सरफेस का ही रेडियस देखेगा, ना कि पूरा हेमिस्फीयर, लास्ट टाइम कर्व सरफेस था ऊपर तो हम लोग कर्व सरफेस का रेडियस देखा था, लास्ट टाइम ऐसा था तो हम लास्ट टाइम इसका रेडियस देखा था, पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा है तो हम लोग इसका ही रेडियस देखेगा, प्लेन सरफेस का, तो प्लेन सरफेस का रेडियस इंफिनिटी होता, समझाया। ओके तो बहुत सिंपल था, रो वन निकाला, रो टू निकाला, एच निकाल दिया, बस कंपेयर करना स्टेबल है अनस्टेबल। ओके ग्रेटर देन मिला तो स्टेबल, और लेस देन मिला तो अनस्टेबल, और एक क्वेश्चन अभी पिछला कराया था जिसमें स्टेबल अनस्टेबल दोनों था, तो पहले स्टेबल पे देख लो, अनस्टेबल पे देख लो, कंडीशन निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल सम्स था, तो ये तीन में से ये तो आ चुका दो बार, तो माइट भी चांस है इस बार आ जाए, और आ जाए तो अच्छा बात है। तो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर्स का जितना भी क्वेश्चन है ट्राई करेगा, जिस एक वीडियो में सारा क्वेश्चन करवा सके, ज्यादा नहीं, 7 to 8 क्वेश्चन है, हो सके तो हम उस वीडियो लेक्चर में सब करवा देगा। वो करवाने के बाद फिर से वीडियो हम सोच रहा बनाएगा जिसमें हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, हम वो सोच रहा है, क्योंकि सेम तो हर साल आता नहीं हो, किस्मत अच्छा रहा तो थ्योरम और क्वेश्चंस कॉमन आ जाएगा, नहीं रहा तो एक दो एक्स्ट्रा आता है नॉर्मली, तो वो हम ट्राई करेगा जो एक दो एक्स्ट्रा जो अपना तरफ से करवाए, जो हम खुद प्रैक्टिस किया था, तो वो सब करवाएगा, हो सका तो सब आ जाएगा, नहीं आया तो कम से कम प्रैक्टिस करने से तुम लोग को आइडिया रहेगा कि कैसे अप्रोच करना है। ओके तो थैंक यू वेरी मच। Thank you.